झारखंड का चुनाव खत्म हुआ है और झारखंड में एनडीए की करारी हार हुई है। मुझे पूरा भरोसा है 24 में झारखंड हम लोग जीते और आने वाला 25 में महागठबंधन हम लोग जीतने का काम करेंगे। झारखंड जीते, बिहार जीते, इस पे कोई दो राय नहीं। बिहार में बदलाव का फिर ये डबल इंजन की सरकार ऐसे मत कीजिए। एक इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा है और दूसरा इंजन जो है अपराध में। 20 सालों से एनडीए के लोगों ने शासन किया लेकिन अब तक जो है मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री हो लिए। बिहार को जो इन्होंने वादा किया था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का, वो अब तक जो है पूरा नहीं। मोदी जी ने कई एक बात कहा कि 2-2 करोड़ रोजगार एक साल में देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। कोई काम जो है भाजपा द्वारा विशेष तौर पर बिहार के लिए नहीं किया। आज बिहार जो है जूझ रहा है, परेशान है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिलता। लोग जो है बड़े तादाद में पलायन कर रहे हैं, महंगाई गरीबी से लोग त्रस्त। पहले 400 रुपया 450 रुपया गैस सिलेंडर का था, आज 1200 रुपया 1300 रुपया। आज बिजली के दाम को देखेंगे कितने लोग सब परेशान। बिजली का जो बिल है लोग उससे परेशान है। ये जो मीटर लगाए गए स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये चीटर मीटर। लोग जो है परेशान है, जो लैंड सर्वे चल रहा है जिस हिसाब से भ्रष्टाचार हो रहा है जमीन के सर्वे, लोग परेशान इस मौजूदा सरकार। आज दिन अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही, लगातार जो है भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, हर जगह पुल पुलिया भी जा रहा है। बाढ़ भी आता है तो केंद्र सरकार जो है स्पेशल पैकेज नहीं देती, उसलिए जो लोगों की परेशानी हम लोग सब लोग मिलकर के भाजपा को भगाने के लिए, समुदाय शक्ति को भगाने के लिए जो लोग आरक्षण विरोधी हम लोग अभी महागठबंधन सरकार में थे, उपमुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जाति आधारित पिता हम लोगों ने कराया 17 महीने। आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% करने का काम किया, किसको लाभ? अब बीजेपी वापस आ गई, कोर्ट कचहरी जाकर के आरक्षण को समाप्त करा दिया गया। लेकिन हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ रही। आज जो बहाली जो हम लोग प्रक्रिया धीम करा करके आए, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला 17 महीने। देश के इतिहास में किसी भी राज्य सरकार ने इतने बड़े तादाद में नियुक्ति पत्र वितरण कहीं नहीं हुआ। जहां रैलियां होती थी गांधी मैदान में सांस्कृतिक रैलियां, वहां हम लोगों ने रोजगार का मेला निकालने का काम किया। सबसे सबसे बात।